हेलो गाइस, आई हम फिर से आ गए हैं एक और नए कस्टम रूम के साथ। यहाँ पे माफिया सरकार ने को कुचल दिया है AWM चीफ को, और वहां से प्लेबॉय भी गोलियां बरसाते हुए कमलेश पटेल की तरफ, और यहाँ पे गाड़ी से नोकने की कोशिश माफिया सरकार द्वारा, और यहाँ पे यूनिक के पिंटू ने 4M अभी ईटी के खिलाड़ी और पैंथर के नॉक कर दिया है मेन के द्वारा और फिनिश भी कर दिया है। यहाँ पे एरो डेविल ने एक को नॉक कर दिया है, स्टार किलर को। इधर बहुत बंदे देखने को मिल रहे हैं, पीछे भी हैं और आगे भी हैं। मेरा शैतान की तरफ क्लच गॉड और योगेश यहाँ पे 4M क्लच गॉड को खत्म कर दिया है, यानी कि टर्मिनेटर जैसे को नॉक कर दिया बैरल के साथ। 1 HP अजय को टीका छोड़ा है, इधर 3 स्क्वाड देखने को मिल रहे हैं जोर जो पुल की तरफ, और यहाँ पे योगेश ने IM परेश को गाड़ी से कुचल दिया है। नॉक नेकॉन नॉक निकल रहे हैं, जय को रॉक कर दिया है। इधर टीमों पे काल भी देखने को मिल रहे हैं उनके स्क्वाड के साथ जोर जो पुल में। यहाँ पे यूनिक के टर्मिनेटर और रोनक क्लोज इन हो गए हैं बंदे की तरफ। यहाँ पे एरेडेबल ने विजय चौधरी को फिनिश कर दिया है। यहाँ पे 4v4 की सिचुएशन है, पिट्टू डो किल निकल चुके हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से, और सामने है 1 HP अजय और 4 HP लिम्बो IM अंकुर की स्क्वाड, और उसके पीछे है टीम ओपी काल। यहाँ पे एक बेहतरीन फाइट देखने को मिल सकती है, यहाँ पे रोनेट और टर्मिनेटर घुस गए हैं 4M की स्क्वाड के ऊपर, और यहाँ पे रोनेट के पास DBS है, DBS बोले तो पिगन, एक शॉट और नॉक फिनिश। और यहाँ पे स्कारल से एक को नॉक कर दिया है, और ये एक और नॉक कर दिया है, और यहाँ पे DBS से एक और नॉक एक्टिव बचा हुआ और फिनिश। 4 किल 2 किल निकल चुके हैं, एक स्क्वाड को स्वाइप कर दिया है, और इधर टीम ओपी काल और उसके बंदे भी आ गए हैं। यहाँ पे एक ही बंदे बचा और नॉक नॉक कर दिया है, मतलब ऐसा है लेकिन इसको भी फिनिश कर दिया है टीम ने। एक अब एक बंदे को इधर ने नॉक कर दिया है, यहाँ पे डलेगा डार्क साइड को और ट्रॉल कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे 1 HP मेडी और 1 HP रोनी को नॉक कर दिया है योगेश के स्क्वाड के द्वारा। अरे हमें फिनिश कर दिया है योगेश 3 किल मनीष 2 किल के साथ अपने स्क्वाड के लिए। यहाँ पे यूनिक की और थक की फाइट देखने को मिल रही है, और यहाँ पे यूनिक के पिंटू ने एक को नॉक कर दिया है। यहाँ पे सारे बंदे ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे रौनक DBS सिर्फ फिचुक करके फिनिश कर दिया है। ऊपर जग्गा की स्क्वाड देखने को मिल रही है, इनके एक बंदे टर्मिनेटर को फिनिश कर दिया है, और ये पिंटू नॉक है, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं नॉक। और यहाँ पे DCOP के भी स्क्वाड देखने को मिल रही है, यहाँ पर रस मरते हुए, और यहाँ पे डेविड पायर को नॉक कर दिया है ऊपर के स्प्रे के द्वारा, और उनके एक बंदे घर में है। और यहाँ पे एक को नॉक कर दिया, लेकिन नॉक कर दिया है उनको भी। हम हंटर लाले और क्रिस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हंटर लाले को क्रिस ने नॉक कर दिया है तो 4-9 के साथ। इसको जनरेटर बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते इसको जनरेटर। यहाँ पे जगड़ा को नॉक कर दिया है, टॉक्सिक कुप्पू ने नॉक किया है। यहाँ पे भावेश ने और DCOP को नॉक कर दिया है, बेहतरीन फाइट देखने को मिल रही है उनके। दो बंद एक बंदा नॉक है, रिवाइव मिल जाएगा फिलहाल तो उसको। यहाँ पे बैन को पीट दिया है,
और यहाँ पे नॉक कर दिए है योगेश ने। योगेश बेहतरीन निकल रहा है, 4 किल ले रहा है उन्होंने, और उनके पीछे है टीटीएस की स्क्वाड आ गई है। यहाँ पे भावेश और टॉक्सिक को नॉक कर दिया है, यहाँ से पीछे से एरो की स्क्वाड भी आ गई है। यहाँ पे डीसी ओपी और यहाँ पे डीसी ओपी फिनिश, बहुत बेहतरीन जग्गा डाकू। डीबीएस डीबीएस की एक गोली पड़ती है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है जैसे ही अपने को देखने को मिला। और यहाँ पे जग्गा डाकू भी नॉक और फिनिश कर दिया एरो की स्क्वेयर ने। एरो की स्क्वाड बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। एरो डेविल 4 किल और एरो रावण 1 किल, क्या इनको पेल पाएंगे रावण? अरे इजी है इनके लिए तो। और यहाँ पे जनरेटर आ गई और यहाँ पे इनके की स्क्वाड देखने को मिल रही है, होने का रौनक। और यहाँ पे इनके रौनक ने फिनिश कर दिया है। यहाँ पे देख फाइट देखने को मिल सक मजा आएगा एरो की फाइट देखने को। यूनिक की स्क्वाड की तरफ से एक ही बंदा, दो ही बंदे बचे हैं उनके भी, पिंटू और नितांश। यहाँ पे एरो रावण बैक हो गए हैं, एरो डेविल भी बैक हो गए हैं। ये बहुत बेहतरीन चाल चली है एरो डेविल। ये क्या कर रहे हैं, गाड़ियों का शोरूम खोलना है क्या? 3v3 फाइट भी हो सकती है। और यहाँ पे M4 का बेहतरीन M4 का स्प्रे, हल्का सा डैमेज दिया है डब्ल्यू ध्रुविक को और यहाँ पे नेट निकाल दिया है। तो यहाँ पे तीनों बंदे एक साथ हैं यार, एक नेट में फूट सकते हैं दो बंदे तो। और यहाँ पे वैसे ही हुआ है डब्ल्यू रिदम को एम्को ने फिनिश, अरे नॉक कर दिया है नेट के साथ। और यहाँ पे डब्ल्यू ध्रुविक ओपन में पूरा, ये क्या कर रहे हैं यार, बहुत गंदा खेल रहे हैं फिलहाल तो। एक और नेट डाल सकते हैं यहाँ पे एम्को फिनिश करने के लिए। यहाँ पे डब्ल्यू ध्रुविक भी बहुत लो है और यहाँ पे चढ़ गए यार, चढ़ेंगे ये तो चढ़ेंगे यार, बेहतरीन खेलते हैं M4 तो। इनसे देखे नहीं आ जाए, यहाँ पे हेल्थ इस्तेमाल ली है, ये थोड़ा फंस चुके हैं फिलहाल AWM के बंदे, एक ही बंदे बचे हुए हैं M4 यार। M4 मतलब गॉड लेवल का खेलते हैं AWM, तरफ अकेले बचे हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से और वो भी डैमेज है, थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए 1v3 करना फिलहाल, लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि वो भी बेहतरीन प्लेयर है। एक को नॉक कर दिया इविल को और यहाँ पे इविल ट्विन को अभी 1v1 की फाइट देखने को मिल रही है। इविल M4 और एडब्ल्यू ट्विन ये निकाल सकते थे अपने, और ये हल्का सा डैमेज दिया है लेकिन ये घुस रहे हैं पहला। यहाँ पे अपना किल सिक्योर करेंगे शायद, और यहाँ पे किल सिक्योर कर लिया है और यहाँ पे 1 HP का छोड़ा है एकदम। और यहाँ पे फिनिश M4 OP, 6 किल निकल चुके हैं अपने स्क्वाड की तरफ और अकेले ही बंदे निकाल रहे हैं और उनके सामने TTS की स्क्वाड देखने को मिल रही है। फिर हो गया है दो बंदे नॉक थे, गाइटुंडे भाव वीरू वीरू को भी नॉक कर दिया है और डाकू किंग बचे हुए हैं। TTS के बंदे आ गए हैं घुसने के लिए फिलहाल, प्ले बॉय और घुस चुके हैं। और यहाँ पे फिनिश कर दिया और यहाँ पे माफिया सरकार को नॉक कर दिया है और यहाँ पे डॉक्टर ने उसके बंदे को नॉक कर दिया है। एक तेरा एक मेरा ऐसा चल रहा है, माफिया सरकार को फिनिश कर दिया है और यहाँ से एरो की स्क्वाड ने डीके खिलाड़ी की स्क्वाड को नॉक कर दिया है। और यहाँ पे TTS की फाइट देखने को मिल चुकी है TTS। यहाँ पे 3 स्क्वाड देख चुके हैं निशांत और TTS प्ले बॉय और यहाँ पे TTS ने गेम निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पे पिक्स धूरिया अकेले ही लेटे हुए अपनी स्क्वाड की तरफ से और उनको पीछे से पड़ रही है, बहुत दूर से पड़ रही है लेकिन पड़ रही है, शायद फिनिश हो जाएंगे। और यहाँ पे पीछे से इविल की स्क्वाड आ गई लेकिन इनको ये थोड़े झुंड से दूर है और यहाँ पे TTS के बाद में ही आ गए हैं फिलहाल तो, लेकिन निकल जाएंगे और उनके सामने साको है। यहाँ फाइट देने में मज़ा आ रहा है फिलहाल के लिए तो। यहाँ पे एरो रावण ने चौकरों को नॉक कर दिया, यहाँ पे TTS के द्वारा स्प्रे पे स्प्रे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्प्रे देखने को मिला लेकिन हल्का पड़ा है। और यहाँ पे ब्रुकलिन ने साइकोडा को फिनिश कर दिया है और यहाँ पे एरो स्क्वाड ने मिनिश को फिनिश कर दिया है। यहाँ पे इविल की स्क्वाड देखने को मिल रही है, TTS की स्क्वाड देखने को मिल रही है और
एरो रावण की स्कोर देखने को मिल रही है, यहाँ पे तीन स्कोर बेहतरीन है। टीटीएस उदय, गेम गॉड और रावण, ये तीन बंदे हैं वो जो अकेले अपने टीम के लिए चिकन डिनर निकालने का होड़ा रखते हैं। यहाँ पे एरो, यहाँ पे एम गोड को नॉक कर दिया है, इनको भी जोन में आना पड़ेगा, रिवाइव हो जाएंगे। अभी तो 19 सेकंड बचे हैं, इनको भी थोड़ा अच्छी पोजीशन पकड़नी पड़ेगी, लेकिन इनके लिए थोड़ा मुश्किल होएगा। अभी टीम को जोन में जाना पड़ेगा, इनके पास भी है अपनी बसंती। यहाँ पे घुसा दिया है स्कॉर के ऊपर, लेकिन क्वीन को नॉक कर दिया है, एम गोड अकेले ही बचे हुए हैं और यह फिनिश हो गया है। इनके पास एचपी ही बहुत कम थी। यहाँ पे टीटीएस के बंदे एडवांटेज ले गए उनका, गुरुवंग पटेल अकेले सेट में बचे हुए, लेकिन 3v3 अपने को देखने को मिलेगा रेमंड के स्कोर और टीटीएस के स्कोर के सामने। टीटीएस वाले 11 किल निकाल चुके हैं और रावण मेरे को पीछे नहीं गए, क्योंकि रावण ने 6 किल और एविन ने 7 किल निकाल चुके हैं अपने स्कोर की तरफ, 16 किल निकाल चुके हैं अभी तक। लेकिन डीपीएस के बंदे के पास एडवांटेज तो ही थोड़ा मुमकिन होगा, लेकिन उधर से स्प्रे पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सब अलग अलग लेके जाएंगे गाड़ी तो उनको भी फायदा होएगा। यहाँ पे रावण ने रैंक कर दिया है, यहाँ पे प्ले बॉय, यहाँ पे पीछे से बैक कवर देते हुए स्मोक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं रावण। रावण को अपने टीम के लिए एक नॉक निकालना पड़ेगा, तभी उनके बंदे जोन में आ पाएंगे, नहीं कि यहाँ पे रावण ने टीचर्स रवि को नॉक कर दिया है और ये अपने टीम के लिए फिनिश भी निकाल लेंगे। और उनके बाजू में नहीं आया है टीटीएस वगैरह, टीटीएस के लिए भी 2 ही बंदे बचे हुए हैं और रावण रावण के तीनों बंदे अली भी हैं और तीनों भी जोन में आ गए हैं, इनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। थोड़ी सी लोकेशन अलग पड़ रही है, लेकिन स्मोक पे स्मोक डाल रहे हैं ब्रुकलिन, उनके राइट में बंदे हैं और लेफ्ट में सामने ही बंदे हैं प्लेबॉय और उड़े उड़े अकेले अपने टीम के लिए कितने ने निकालने का होता रखते हैं। और यहाँ पे प्लेबॉय को नौकरी रहा किसी ने और यहाँ पे फिनिश भी कर लेंगे। टीटीएस उधर एक करे ही बंदे बचे हुए हैं अपनी स्क्वाड की तरफ से। और यहाँ पे एरो डेविल ने कार के साथ फिनिश निकाल लिया टीटीएस उधर को। और इसी तरह एरो की स्क्वाड यहाँ पे चिकन डिनर निकाल चुके हैं 19 किल के साथ। टीटीएस की स्क्वाड ने भी बहुत बेहतरीन खेल दिखाया है अपना 12 किलो के साथ।